सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन या थोड़ी बहुत भूख हो तो आप इसे जरूर बनाकर खाइए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एक बड़ी कटोरी में 2 छोटी कटोरी चावल का आटा लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहे तो चावल के आटे की जगह चावल को 15 मिनट भिगो कर इसको पीस कर भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ यूज़ नहीं करना है, अगर एक साथ पानी डाला तो इसमें लम्स बन जाएंगे। थोड़ा पानी डालने से सारी गुठलियाँ और लम्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम पानी डालेंगे ज़्यादा, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ा पानी और डालेंगे। अब इसमें हम आधा कप और पानी डाल देते हैं। लगभग 2 कटोरी के लिए हमें 2 कप पानी लगा है। बिल्कुल इसी तरह का बैटर हमें तैयार करना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ, जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, गाजर और आलू। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। थोड़े से आलू को हमने कद्दूकस करके डाला है, गाजर को भी हमने कद्दूकस करके डाला है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये चावल के उत्तपम खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर इसे हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसे हम गैस पर रख कर गर्म करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसे चिकना कर देंगे। फिर गैस को हम मीडियम करेंगे। मीडियम गैस पे ही हमें उत्तपम बनाने हैं, अगर हाई फ्लेम पे बनाए तो उत्तपम जल जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा बैटर डालकर इसको हल्के हाथों से फैला लेंगे। बैटर हमें थोड़ा पतला ही रखना है, इससे क्या होगा कि उत्तपम बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसे हमें 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। एक तरफ पकने के बाद इसे पलटना है, अगर बीच में हमने इसको पलटा तो ये बीच में से टूट जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया उत्तपम बना है। एक तरफ पकने के बाद इसे हम पलट देंगे। कलर भी बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब इसे हम दूसरी तरफ पकाएंगे। दूसरी तरफ पकने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे चटनी या केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा उत्तपम भी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये जल्दी से बन जाते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए एक तरफ पक चुका है, अब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ भी पकाएंगे। इसी तरह हम सारे उत्तपम बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं क्या बनाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें।